द डेथ ऑफ द माइस है ना तो जैसे ही माइस में गया माइस डाइस ये करेक्ट है एकदम हमको क्या ढूंढना है हमको यहाँ पे ढूंढना है वी हैव टू फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन अभी इसके ये देखो ऑप्शन दे रखे हैं सिलेक्ट द ऑप्शन इज इनकरेक्टली रिप्रेजेंटिंग द एक्सपेरिमेंट हमको इनकरेक्ट वाला ढूंढना है ठीक है सो फर्स्ट वन इज करेक्ट सेकेंड में देखो आर स्ट्रेन मतलब कि रफ स्ट्रेन इट इज अ नॉन अरुलेंट स्ट्रेन नॉन विरूलेंट स्ट्रेन है गया तो माइस लिव्स एकदम करेक्ट है सो वन एंड टू बोथ आर करेक्ट थर्ड थर्ड ऑप्शन के अंदर जेनेटिक मटीरियल नहीं है एक्चुअली क्या वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता एस स्ट्रेन था विरूलेंट वाला तो इसकेस में माइस शुड है तो द थिंग दैट वॉज कॉजिंग द डेथ ऑफ दिजम दैट इज नाउ हीट किल्ड दैट इज नाउ इनएक्टिवेटेड तो माइस शुड डाई नो माइस शुड लिव हियर तो थर्ड ऑप्शन no, so, गलत है सिमिलरली अगर हीट किल्ड आर आर स्ट्रेन स्ट्रेन हीट किल्ड है रफ स्ट्रेन यानी कि नॉन विरुलेंट को आपने हीट किल्ड किया कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर ये हीट किल्ड है तो भी ये माइस uh, इसके अंदर लिव करेगा बट आपने स्ट्रेन यहाँ पे लाइव डाल दिया लाइव मतलब कि विरुलेंट फॉर्म लाइव डाल दिया है तो माइस शुड नॉट लिव माइस शुड डाई सो थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन आर इन करेक्ट ठीक है तो देख लेते हैं कहां दिया हुआ है थर्ड एंड फोर्थ सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी सी ऑप्शन थैंक यू